जिला सेवा योजना कार्यालय विभाग द्वारा मंगलवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें यूरेका फोर्स, विथुना फर्टिलाइजर्स, वन वर्ल्ड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, बुक माई एंड विल प्राइवेट लिमिटेड सहित कुल 7 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने आवेदकों का साक्षात्कार लिया। रोजगार मेले में साक्षात्कार के पश्चात लगभग 162 आवेदकों का विभिन्न कंपनियों में नौकरी के लिए चयन किया गया। इस मौके पर सहायक निदेशक सेवा योजना अखंड प्रताप सिंह, सेवा योजना अधिकारी प्रभारी अरविंद कुमार यादव, रोजगार मेला प्रभारी विनय कुमार शर्मा सहित कई अन्य मौजूद रहे। गुलालू जी जब भी बैठे हैं, इसके बारे में अच्छी तरह जानकारी है हमें। जैसे मान लीजिए एक दो महीने के लिए मान लीजिए ट्रेनिंग कुछ बताया जाता है 2-4 दिन के लिए, उतना तो हम अपने हिसाब से उनको समझा सकते हैं। कंपनी क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट सही है ये, इस पे आपको काम करना है, इससे आपको क्या फायदा है, ये आपको पता होगा। सैलरी के लिए जो फसल मिल जाएगा, कितना वर्क करना है कंपनी के साथ, सारा चीज कंपनी दे ही रही है आपको, ठीक है, तो आपको उसी में मैनेज करना होगा। अगर आप एक साल से ज्यादा आपको पुराने हो जाते हैं कंपनी के लिए, कंपनी आपको परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं तो आपको सारा सुविधा दिया है। रोजगार मेला लगा हुआ ये हमारे यहाँ सेवा आयोजन कार्यालय गोरखपुर में ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इसमें 7 कंपनियों ने प्रतिभाग किया है। इन कंपनियों में जिन बच्चों ने ऑनलाइन अपना आवेदन किया था उनको यहाँ पे आज बुलाया गया था, SMS उनको भेजा गया था। 162 बच्चों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जिन बच्चों को SMS भी किया गया था, सारे बच्चे आज आए हुए हैं। और उनका ये जो अलग अलग कंपनियाँ हैं, विभिन्न कंपनियाँ जैसे कि बुक माई एंड विल प्राइवेट लिमिटेड, वर्ल्ड वन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इन कंपनियों में उनके प्रतिनिधियों द्वारा इंटरव्यू किया जा रहा है। अभी ये प्रक्रिया चल रही है और ये इसमें जितने अभी सब कितनी वैकेंसियां हैं और आवेदन आज कितने वैकेंसियों के अलग अलग कंपनियों में अलग अलग वैकेंसियां थी। यूरेका फोर्स ने 15 वैकेंसियां की थी और विनुथा में 10 थी, कुछ MBT में 375 वैकेंसियाँ थी। ऑनलाइन आवेदन 162 बच्चों ने किया था। इन लोगों का आज यहाँ पर जिनको SMS भेजा गया था, सारे बच्चे आए हुए हैं, इन लोगों का आज यहाँ पर इंटरव्यू। ऑनलाइन के अलावा भी अतिरिक्त कुछ बच्चे आए हैं इंटरव्यू देने के लिए यहाँ? वहाँ कुछ बच्चे आ गए हैं, उनको प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। विभाग की गाइडलाइन ऑनलाइन पर है, कुछ बच्चे आए हैं, उनको भविष्य में आगे की प्रक्रिया के लिए बताया जाएगा कि ये इसमें ऑनलाइन आवेदन करें जिससे प्रतिभागियों की संख्या बढ़े